हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम की खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी, जिसको कई लोग गलका भी बोलते हैं, आम की चटनी भी बोलते हैं, आप जो भी कहिए, पर बनती बड़ी टेस्टी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने 1 kg आम लिया हुआ है, इसको पील किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं इसको काट लूँगी। इसको काटने का आपका देख लीजिएगा, अभी आम देखिए बहुत पक्के तो आ नहीं रहे, उसमें गुठली पूरी तरह से बनी नहीं है। तो ये इस तरीके से करके पतली बहुत मत काटिएगा, क्योंकि अमियाँ गल जाती है। ये देखिए इस तरीके से, ना देखिए पतली ना मोटी, इस तरीके से करके हम सारी अमियाँ काट लेते हैं। उसके बाद मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। ये चटनी बहुत फ़ायदा करती है आजकल, क्योंकि लू चल रही है, उसमें भी लू से भी बचाती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, कोई सब्जी उनके पसंद की नहीं है तो भी ये आम की चटनी के साथ पराठा रोटी कुछ भी। ये देखिए इस तरीके से अमियाँ बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल कच्ची है अभी, तो इसको हम इस तरीके से पूरा काट लेते हैं और उसके बाद चलिए आगे हम बनाते हैं आम की लौंजी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अमियाँ काट ली है पूरी। अब इसके बाद मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए अमियाँ 1 kg ली थी मैंने, अराउंड छिलका और भी गुठल निकलने के बाद अराउंड मैं इसमें, आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी खानी है तो उसमें अराउंड 700 grams डल जाएगी शुगर, नहीं तो 500 to 700 grams डलनी है। आपको कितना मीठा पसंद है, तो मैंने अराउंड 500 to 600 grams मैंने शुगर ली हुई है। और मैंने ये देखिए कलौंजी ली हुई है 1 teaspoon, और 1 teaspoon हींग ली हुई है, ये देखिए 1 tablespoon सौंफ ली हुई है। आप चाहें तो साबुत डाल दीजिए, चाहे इसको दरदरा पीस के डाल दीजिए। अराउंड 1 tablespoon किशमिश ली है, क्योंकि ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो बच्चे इस बीच में किशमिश भी बहुत पसंद करते हैं। इसमें डलेगा ब्लैक सॉल्ट डलेगा, बाकी वाइट सॉल्ट डलेगा, रेड चिली पाउडर डलेगा, ज़ीरा पाउडर डलेगा और काली मिर्च डलेगी, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगी। चलिए मैं इसको बताती हूँ और साथ साथ आपको स्पाइसेस का बताती जाऊँगी कितना डालना है। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 kg हमारी देखिए मैंने अमियाँ ली थी, तो अराउंड ये देखिए पानी डालेंगे। इसको पहले थोड़ा सा अमियाँ को पका लेंगे, अराउंड 2 cups ऑफ वाटर ले लेंगे, पैन में डालेंगे और उसमें हम ये अमिया डाल देंगे। एक केजी अमिया में 2 cups मैंने पानी डाला है, और इसके बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे अराउंड 5 minutes के लिए। इसको हम एक बार देखिए पानी बॉईल हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और 5 मिनट के लिए कर देंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना, पर इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि जब हम शुगर डाल देते हैं, शुगर शिरप या आप गुड़ के साथ बना रहे हैं उसके साथ अमियाँ को पकाएंगे, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है बाद में, तो ये बहुत सॉफ्ट रहती है और बच्चे भी क्योंकि शौक से खाते हैं, बड़े लोग भी। तो ठीक है, देखिए मैं 5 मिनट के लिए इसको कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं हो गई है कि नहीं हो गई है। देखिए हमारे 5-6 मिनट हो गए, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल इसका देखिए थोड़ा सा कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया अमिया का, और ये बिल्कुल इस टाइम पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी, और ये देखिए हमारी अमिया बिल्कुल ये देखिए आराम से ये पक गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ज़रा सा ठंडा करके इसके बाद हम अमिया को निकाल लेंगे, स्ट्रेन करके अलग रख देंगे, और इसके बाद जो ये पानी है इसको फेंकना नहीं है, हम ये बनाने में यही पानी यूज़ करेंगे और पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है अगर हम सेफ ऊपर से कच्चा पानी डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए हम इसी पानी को यूज़ करेंगे। हम इसको स्ट्रेन करके अमिया को अलग कर लेते हैं ज़रा सा ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने सारी अमियाँ इसमें निकाल ली है, और जो पानी है ये वापस मैं पैन में डाल दूंगी, और इस अमिया को अभी हम साइड में रख देंगे और ये आम की लौंजी बनाना स्टार्ट करेंगे, मुरब्बा इसको कुछ भी बोल सकते हैं, और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, है ना, ये वापस पैन में डाल देंगे और इसको इसके बाद मैं चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये मैंने जो बचा हुआ पानी था पैन ऑन कर दिया है, ये गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, देखिए हम बारी बारी डालते हैं सारे ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले हम देखिए डाल देंगे ये हमने जो सौंफ ली हुई थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको दरदरी करके भी डाल सकते हैं या बिल्कुल पीस के भी बाद में ऊपर से डाल सकते हैं।
अगर बच्चे खा रहे हैं उनको मोटा बीच में नहीं पसंद है खाना, जैसे जीरा मैं पिसा हुआ यूज कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको पीस के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें डाल देंगे ये जो हमने कलौंजी ली हुई थी, कलौंजी डाल देंगे, ये हींग डाली हुई थी हींग डाल देंगे। अब इसके बाद ये देखिए हम ये डालेंगे, ये काला नमक था इसमें हम ये डाल देंगे, और बाकी इसके बाद थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डालेंगे। अब बाकी आप अपना थोड़ा सा टेस्ट भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इस टाइम पे हम ये जो अमिया हमने अलग कर ली थी उसको डालेंगे, चलिए उससे पहले ये हम इसमें ये डाल देंगे शुगर। शुगर का बस इतना वेट करना है कि पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें कोई दो तार की एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्का सा चाशनी बनानी है बाद में अमिया डालने के बाद अराउंड एक तार की चाशनी, पर पहले नहीं बनानी है हमें, बस ये चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए इसके बाद हम ये अमिया डाल देंगे जो हमने अलग रखी हुई है। ये देखिए वैसे भी गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, तो ये वैसे भी बहुत ही फायदा करती है। और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या खाना है, तो बच्चे पराठे के साथ रोटी के साथ ये बहुत ही शौक से खा लेते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, हमें बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए अब हम इसको हिला लेंगे, इसको हम ऐसे ही पहले एक उबाला आ जाए उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे करके 5 मिनट के लिए पका देंगे। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम ढकेंगे तो अमिया बिल्कुल गल के टूट जाएगी, और ज़्यादा हिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम अमिया हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी पका चुके हैं हम इसको पहले ही, क्योंकि अब देखिए इसको हम एक बार उबाला आ जाए तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे करके 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल देंगे, और इसके बाद हम बाकी स्पाइसेस डालेंगे इसमें। देखिए हमारा 5-6 मिनट हो गया है अच्छे से। अब इस टाइम पर ये जो हमने किशमिश रखे थे हम इसमें ये डाल देंगे, इसके बाद हमने डालना है देखिए ब्लैक पेपर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और जीरा पाउडर डाल देंगे। स्पाइसेस थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है बड़ों ने भी, तो अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लैक पेपर डालें या रेड चिली पाउडर दोनों में से एक डालें तो वो भी ऑप्शनल है, कोई ये नहीं है, मैं एक नॉर्मल जो सब लोग खा लें वो बता रही हूँ। अब उसके बाद बचा है रेड चिली पाउडर डाल देंगे हम इसमें, देखिए अच्छे से देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसको 2 मिनट बस ज़्यादा नहीं स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि सारे स्पाइसेस इसमें मिल जाए। अब इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। बाकी आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा करना है या थोड़ा खट्टा ज़्यादा करना है तो आप थोड़ा सा शुगर कम कर लीजिएगा, अगर थोड़ा मीठे साइड में खाना है तो शुगर मैंने जितनी बताई आप उतनी कर लीजिएगा। वैसे आप मेरे रेशियो से बनाइएगा जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल परफेक्ट खट्टी मीठी चटपटी आम की लौंजी बनती है इससे। देखिए अब मैं इसको बस 2 मिनट उबाल लेती हूँ, उसके बाद हम इसको गैस बंद कर देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए इसको उबालते हुए, अब हम इस टाइम पे गैस बंद कर देंगे। यह हमारी बन के तैयार हो गई है खाने के लिए, आप इसको ठंडा करके अपना खाइए और सबको घर में खिलाइए। आप चाहें तो इसमें अगर आपको शुगर नहीं डालना है तो आप इतना गुड़ भी डाल सकते हैं उसमें, अराउंड जैसे मैंने बताया था 500 ग्राम to 600 ग्राम आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, और अगर आप मिश्री डालना चाहें तो मिश्री को भी कूट के डाल सकते हैं, हल्का सा कूट लीजिएगा उसके बाद वो पानी में जैसे मैंने डाला था शुगर उस जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं।
और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको। चलिए मैं इसको ठंडा करके सर्व कर देती हूँ और आज ही बनाइए ये रेसिपी और बच्चों को घर में सब बड़ों को सबको खिलाइए। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई है। खाने के लिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिए और बताइएगा भी कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।